प्रगति पाउडर सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले. मी तिलेवन मोहोळ संघाकडून, सूर्या मस्कर मोठं नाव रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमधलं, आणि त्याच्या साथीला आपल्याला पाहायला मिळेल प्रकाश भोईर. दोन्ही दिग्गज खेळाडू खेळपट्टीवर आलेत. आज ओपनिंग पिया. दुसऱ्या फेरीमधील ही पहिली लढत, सामना 4 ओव्हरचा असेल. गोलंदाजी मार्गवर पहिलं षटक घेऊन मागच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच सन्मान करी 5 विकेट हॉल घेण्याचा पराक्रम. मात्र पहिल्या मॅच मध्ये पंच आपल्याला पाहायला मिळाला होता 5 का, आणि तोच आकाश गिरी सज्ज होतोय पहिलं षटक घेऊन. चला 20 मिनिटांमध्ये इनिंग संपली पाहिजे आणि व्हेरी फास्ट. अजिबात वेळ घालू नका. सूर्या मस्कर आणि प्रकाश भोईर अशी सलामीची जोडी मीत इलेव्हन मोहोळ संघाकडून. गोलंदाज आकाश गिरी पहिलं षटक घेऊन सज्ज. राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना. पहिलाच बॉल बॅकफुटला जाऊन पूल केला. क्षेत्ररक्षक नाहीयेत पाठीमागे. सर्कल रिस्ट्रिक्शनचा फायदा उठवत असताना पहिल्याच बॉलवर मीत इलेव्हन टीमसाठी पहिला चौकार. पहिला चौकारांना टीमचा श्री गणेश होत असताना मी दिलेवन. सूर्या मस्करच्या बॅटमधून मात्र 4. आकाश गिरी पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवर राऊंडर स्टम्प्स न आलाय. इथे हा चेंडू बीट केला होता. यावेळेस मात्र डोक्यावर हात गेले होते ते सूर्या मस्करचे आणि क्लीन बोल्ड पास झालाय. इकडे कळलं सुद्धा नाहीये. पहिल्यांदा असं वाटलं की चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातातून सुटलाय की काय. परतू पाहूया आपण पुन्हा एकदा UTC उरण टेनिस क्रिकेट लाईव्ह आपण पाहतो. या स्पर्धेचा लाईव्ह प्रक्षेपण सुरू आहे. पहिला धक्का सूर्या मस्करच्या स्वरूपामध्ये मात्र आपल्याला पाहायला मिळालाय. हलकशी बेल्सला साठून मात्र चेंडू गेला आणि त्यानंतर बेल्स ऑफ झाल्या होत्या. आणि पहिली सफलता सूर्या मस्करच्या स्वरूपामध्ये. पहिला बॉल ओव्हर द विकेटने टाकला होता, परंतु राऊंड विकेटने येत असताना मात्र पहिल्याच बॉलवर सफलता प्राप्त केले ती आकाश गिरीनं. महत्वपूर्ण सफलता होती. सूर्य मावळलाय मोहो संघाचा नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये रोहित पाठे इन एट नंबर 3 तिसऱ्या स्थानावर. आकाश गिरीला मात्र सफलता. आजच्या दिवसभरामध्ये 6वा बळी टिपलाय तो आकाश गिरीनं. सुंदर कामगिरी गोलंदाजीच्या माध्यमातून करत असताना ओव्हर द स्टम्प्स ना. यावेळेस चेंडू पहा टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेत सरळ शरीरावर जाऊन आदळला. आणि सोपं नाही रोहित पाठे, कारण चेंडू उसळता सुद्धा आकाशगिरीची हाईट चांगली आहे. खांद्याचा वापर करतो. वेगवेगळी चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळतील. मिश्र रुग्ण मगाशी सुद्धा आपण पाहिलं. पहिल्या मॅच मध्ये 5 विकेट मात्र घेतल्यात या गोलंदाजानं. व्हेरिएशन पाहायला मिळाले होते. लेग ब्रेक मध्ये चेंडू असतील, यॉर्कर लाईन मध्ये चेंडू मात्र सर्रासपणे हाताळताना टॉप एज लागले. इथे मात्र चेंडू हवेमध्ये टिपतोय झेल यष्टांच्या पाठीमागे परेश. आणि धक्का क्रमांक 2 आजच्या दिवसभरामध्ये 7वा विकेट आकाशगिरीच्या नावावर. दोन फलंदाज बाद झाले त्यामुळे विचार करण्यास भाग पडले. आता मात्र मी इलेव्हन मोहोळ संघाला. सूर्या मस्करच्या पाठोपाठ रोहित पाटे बाद झालाय. मिथुन पाटील येतो इन नंबर 4.
कसा बॉल कट केलाय पॉइंटला बीट करत बॉल चाला डी बॅक पॉइंट बाउंड्री लाइनच्या दिशेला चेंडू सीमा पार चार धावन करता मिथुनच्या बॅट मधून सुंदर असा चौकार शर्यती आहेत ओळ्याला इथे समथिंग साऊंड हियर आणि इथे शॉर्ट फाइन लेगला जेल टिपलाय तो क्षेत्ररक्षक सौरभन आणि तिसरा हादरा दिलाय आज काय गोलंदाजी होते आकाशगिरीची पहिल्या मॅच मध्ये तब्बल 5 विकेट्स घेतल्या होत्या आणि इथे सुद्धा पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 3 फलंदाजांना तंबूचा रस्ता दाखवलाय मिथुन पाटील बाद चार दिवसीय ही स्पर्धा 23, 24, 25 आणि 26 शनिवारी गाव देवी चषक आपण पाहतोय आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आहे काल डेरवली हा संघ पुढे गेलाय ऑफस्टंपच्या बाहेरचा बॉल मिडॉनकडे खेळून काढलाय एक धाव जरूर येईल प्रकाश भोईर पहिल्यांदा स्ट्राईक मात्र मिळाली सिंगल धावेनं मात्र खातं उघडेल 9 वर जाऊन पोहोचलाय तो मिड इलेव्हन मोहो संघाचा स्कोर कार्ड लढावं लागेल सूर्या मस्कर रोहित मिथुन विना लढावं लागेल टीमला प्रकाश भोईर एक नामवंत खेळाडू आहे गेले कित्येक वर्ष आपण पाहतोय मोहो या संघाकडून मात्र खेळत असताना मोहो गावचं नाव मात्र या खेळाडूनं रोशन केलं आजपर्यंत टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये आणि त्याच्याकडून सुद्धा फार मोठ्या अपेक्षा असतील परंतु यंगस्टार सुद्धा बरेचसे सामील झालेत या संघामध्ये आणि त्याचमुळे मोहो संघ सुद्धा अनेक स्पर्धांमध्ये मात्र चांगला परफॉर्मन्स करत असताना पाहायला मिळतो गोलंदाजी मार्क वर पुन्हा एकदा सज्ज होईल प्रतीश मस्कर आउटसाइड ऑफ स्टंप खोलवर टप्प्याचा हा बॉल इथून मात्र सरळ निघून गेलाय विकेट कीपरच्या हातामध्ये नेक्स्ट मॅच मिस्टी 11 केडीएस स्पोर्ट्स क्लब वाघिवलीवाडा आणि त्यांच्या विरोधामध्ये मोरिया 11 पळसपे दोन्हीचे कॅप्टन आपण बी रेडी जसा पहिल्या इनिंगचा खेळ संपेल त्याच्या अगोदर तुम्हाला स्टेजवर यायचं आहे ओ द स्टंप्स गोलंदाज अकूट टप्प्याचा बॉल ऑफ स्टंपच्या बाहेर शफल होऊन फाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता थोडस शॉर्ट ऑफ लेंथ होता थोडीशी संधी जरूर होती फलंदाजाला इथे मात्र एखादा पूल ठोकण्याची परंतु ते जमलेलं नाहीये सध्याच्या घडीला राकेश पाटील 2 चेंडू निर्धाव खेळतोय आणि गोलंदाजीतलं पुनरागमन सुखावणारा असेल प्रवीणला कारण पहिल्याही मॅच मध्ये याच गोलंदाजांनी मात्र बाजू मजबूत केली होती पुन्हा एकदा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बाहेर हलकासा निघतो थोडीशी गती कमी केली होती या बॉल मध्ये आपण पाहिलं चेंडूची गती कमी जास्त प्रमाणामध्ये करताना दिसतो आणि सध्याच्या घडीला हवं आहे टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये तुम्हाला एक यशस्वी गोलंदाजाची कारकीर्द म्हणून मिरवायचं असेल तर तुम्हाला गोलंदाजीतली वैविध्यता असली पाहिजे वेगवेगळ्या पद्धतीचे चेंडू तुम्हाला टाकता आले पाहिजेत वेगवेगळ्या धाटणीचे चेंडू तुम्हाला टाकावे लागतील तरच आजकाल टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये मात्र गोलंदाजाचा निभाव लागतो अन्यथा मात्र सपाटून मार खावा लागतो हुक केल्या बॉलला शॉर्ट फायनिंगला संधी जरूर आहे बराच वेळ चेंडू हवेमध्ये लोंबकळत होता आणि बॉल मात्र वेगाने ट्रॅव्हल होत असताना फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं मच नीडेड बाउंड्री मी इलेव्हन मोहो टीम साठी राकेशच्या बॅट मधून चौका
मिडविकेट क्लियर करणारा राकेश पाटीलच्या बॅट मधून चौकारानंतर येतोय हा दमदार षटकार. दोन षटकांचा खेळ संपलाय आणि डावफलकावर धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. त्या तीन फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये 19 धावा 19 रन्स ऑन बोर्ड. नेक्स्ट मॅच केडीए स्पोर्ट्स वाघिलीवाडा आणि मोरिया 11 पळसपे. दोन्हींचे कॅप्टन बी रेडी. चार ओव्हरची मॅच आहे कारण दोन षटक समाप्त झालेत. दोन षटकांच्या पूर्वी तुम्हाला टॉससाठी संपर्क करायचा आहे. तर मागच्या दोन चेंडूंमध्ये 10 धावा आल्यात आणि तेच मी म्हणेन ही गोष्ट पुन्हा एकदा कमबॅक करणारी ठरले. मी 11 मोहसंघाच्या दृष्टिकोनातून या अडचणीमधून थोडस बाहेर काढण्याचं कार्य मात्र केलंय. ते शेवटच्या दोन बॉलवर फलंदाज राकेश पाटीलला आणि प्रकाश भोईला सुद्धा नावाला साजेशी इनिंग मात्र साकारावी लागणार आहे. ऑन साईडला मिडविकेटकडे हा चेंडू जात असताना प्रवीण गरद गोलंदाजीसाठी आलाय. पहिल्या बॉलवर सिंगल एकवटली जाते. धावसंख्या 1 ने पुढे साइड 20 ऑन बोर्ड. निदान 40. चार ओव्हर्स मध्ये 40-42 धावा हव्याच आहेत. काही झालं तरी कडे मैदानावर कितीही धावसंख्येचा चेस होतो. काल 92 धावा चेस होता आपण पाहिले या स्पर्धेमध्ये. चार ओव्हरला काल 70 धावा सुद्धा यशस्वी पाठलाग झालाय. त्यामुळे स्कोरिंग ग्राउंड आहे. विकेट सुद्धा फार चांगली आहे. सपाट खेळपट्टी आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू चांगल्या पद्धतीनं बॅटवर सुद्धा येतोय. फलंदाजांना मात्र चांगले फटके खेळायचे आहेत. फक्त प्रवीण गरद गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा सज्ज झालाय. राकेश पाटील डावखुऱ्याचा फलंदाज. ओ यावेळेस मात्र फाईन स्ट्रोक कन्वर्ट केलाय. बॉल जाईल फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या वरतून. पहिल्यांदा 3 चेंडू निर्धाव खेळला होता तो राकेश पाटील आणि आता मात्र 6व्याच परतफेड करत असताना मागच्या 3 बॉल मध्ये ठोकल्यात त्या तब्बल 16 धावा. आमचे मान्यवर आनंद सुरते यांना विनंती आहे की आपण मंचावर यावं. आपलं सहर्ष स्वागत आहे. थोडीशी गती कमी केली होती यावेळेस मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. थोडासा खाली सुद्धा राहिला होता प्रवीण गरज. षटकारानंतर मात्र कमबॅक करत असताना डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता. 40-45 च्या आसपास कशी नेता येईल धावसंख्या हे पाहावं लागेल. जरी सुरुवातीला 3 फलंदाज 5 झाले असले तरी मिडल ऑर्डर सुद्धा स्ट्रॉंग आहे मिथ 11 मोहो संघाचा. हो यावेळेस क्रॉस बॅटेड ऑन साईडला मिडविकेट बाउंड्री लाईनच्या वरतून अनस्टॉपेबल राकेश पाटीलच्या बॅट मधून येतोय तिसरा षटकार. यहां भी होगा वहां भी.
चौथ्या षटकाचा खेळ असेल, बाकी 34 धावा आतापर्यंत धावफलकावर, 34 रन्स शेवटचं षटक. कल्पेश मागच्या मॅच मध्ये कमालीची बॉलिंग केली होती कल्पेशनं, अगदी त्याच स्वरूपाचं जर षटक आलं तर नक्कीच थोडा धावसंख्येला रोख लावता येण्यासारखं आहे. परंतु ज्या सुसाट फॉर्म मध्ये आता मात्र दिसतोय चौथ्या क्रमांकावर येणारा फलंदाज, माफ करा पाचव्या क्रमांकावर राकेश पाटील जो आलाय, त्याच्या बॅट मधून ज्या धावा निघाल्यात ना त्या धावेनं तारलंय ते मीत 11 मोहो संघाला. कल्पेश करत फलंदाजी मार्कवर ओव्हर द स्टम्प्स न समोर समोर ड्राईव्ह केला यावेळेस, मात्र पहा बॉल पहिल्यांदा बाउन्स झाल्यानंतर थोडासा उडाला होता, आउटफील्डनं थोडीशी किंमत दाखवली. एक धाव येते, धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. प्रकाश भोईची इनिंग आपण पाहिली, सिंगल 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 देतोय आपल्याला, कारण राकेश पाटीलच्या बॅट मधून चांगले स्ट्रोक्स निघाले. पहिली धाव तर आले, धावसंख्या 1 ने पुढे 35 वर 35. नेक्स्ट मॅच केडीएस स्पोर्ट्स वाकिलीवाडा आणि मोरिया 11 पळसवे, दोन्हींचे कॅप्टन आपण टॉस साठी संपर्क करा. शेवटचं षटक सुरू आहे आणि या ओव्हर नंतर मात्र नाणेफेक संपन्न केली जाईल. कल्पेश करत मिस्ट्री 11 पुरस्कृत केडीएस स्पोर्ट्स वाकिलीवाडा हा संघ आहे. चला स्पीड अप करा टीम काळुंद्रे. कल्पेशचा हा बॉल थोडासा आउटसाइड ऑफ स्टंप ठेवला होता इथे, मात्र पाठीमागे सोडलाय आणि पंच व्हाइट बॉलचा इशारा देतात, त्यामुळे दोन धावा व्हाइट बॉलच्या स्वरूपामध्ये प्राप्त होत असताना धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल आणि स्कोर जाऊन पोहोचेल तो 37. कल्पेश करत पाहूया इथून, मात्र प्रकाश भुईर समोर आहेत. राईट आर्म ओव्हर द विकेट, नेक्स्ट बॉल यावेळेस अगेन्स्ट द स्पिन बॉलला भिरकावून दिलाय. स्क्वेअर लेग मिड विकेटच्या मधून चेंडू जाईल सीमा पार, प्रकाश भोईरच्या बॅट मधून येतोय उत्तुंग असा षटकार. फक्त एक धाव दिली होती गोलंदाजी करत असताना, मोठ्या अपेक्षेने मात्र त्याच्याकडे षटक सोपवलंय, परंतु इथे थोडासा महागडा ठरत असताना. स्क्वेअर ऑफ द विकेट पहा, पंचांच्या बाजूने बॉलला निक काढलंय, एक धाव येते सिंगल रन. परंतु ज्या धावा हव्या होत्या ना, सुरुवातीला 3 फलंदाज बाद झाले होते आणि असं बिलकुल वाटत नव्हतं सुरुवातीच्या वेळेमध्ये की एवढ्या धावा होतील, परंतु ती धावसंख्या मात्र मॅनेज केले. मी 11 मोहो संघ 44 वर जाऊन पोहोचल्या स्कोर कार्ड. चौथ्या षटकामधील अजूनही काही चेंडूंचा खेळ बाकी आहे, एक दोन मोठे फटके आले तर इथून मात्र धावसंख्या 50-55 आसपास सुद्धा जाऊ शकेल आणि तो प्रयत्न करायला काहीच हरकत नाही. राकेश पाटीलच्या बॅट मधून तेवढे स्ट्रोक्स आलेत, चांगला बॉल होता यावेळेस, मात्र चेंडू सरळ जाऊन पॅडवर आदळला. एक धाव जरूर त्या ठिकाणी प्राप्त होईल, लेखपायचा इशारा मात्र सुनील तांडेल सरांचा एकरी दाबीच्या बरोबरीनं टीमची टोटल मात्र पुढे सरकेल. स्कोर 45 आकड्यावर 45. मी दिले पण मोहो संघ सध्याच्या घडीला खूप चांगला परफॉर्मन्स करतोय, चांगलं बॅकअप करत आहे. नशीब शेठ भोईर यांनी मित्रमंडळींना पाठिंबा दिला, अनेक ठिकाणी संघ पुरस्कृत करताना आपण पाहिलं आणि नेहमी सदैव संघाबरोबर राहिलेत आणि म्हणून सध्याच्या घडीला टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये मात्र मोहो संघाचा डंका सुद्धा आपल्याला तेवढाच वाजताना दिसतोय. सोडला होता हा बॉल लेग स्पिन करण्याचा प्रयत्न, परंतु थोडासा बाहेरून गेला लेग स्टिकच्या, फाईट बॉलचा इशारा 46-46 धावा. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण बी रेडी, टॉस साठी संपर्क करा. कुलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज, कल्पेश करत क्लीन बोल्ड दांडी गुल, प्रकाश मोहिरी यावेळेस मात्र बाद होतील. ही सफलता क्रमांक 4 मंगलमोदी काळुंद्रे टीम साठी. कल्पेश गरतनं मात्र बात केले ते प्रकाश भोईरला, धावसंख्या 46 असताना.
चौथ्या षटकामधील शेवटचा चेंडू, यानंतर इनिंग ब्रेक होईल आणि इनिंग ब्रेक मध्ये मात्र टॉस केला जाईल मिस्ट्री इलेव्हन वागुलीवाडा आणि मोरिया इलेव्हन बळस्पे. ओ ऑन साईडला यावेळेस मात्र मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या वरतून शेवट गोड करत असताना यावेळेस षटकार पाहायला मिळतोय. अन्वेष पाटीलच्या बॅटमधून निघणाऱ्या षटकारानं संघाचं अर्धशतक धाव फलकावर 52 धावा कंप्लीट झाल्यात 4 ओव्हरच्या मॅच मध्ये. जर एकच कॅप्टन आला तर त्या संघाला टॉस विन दिला जाईल आणि दोन्ही नाही आले सामना 4 ओव्हरचा होईल, त्याची लक्षता घ्या. त्यामुळे बी सिरियस शिस्तीची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. गावदेवी क्रिकेट संघ आणि ग्रामस्थ मंडळ पेठ आयोजित गावदेवी चषक 2024 तगडं असं आयोजन करण्यात आलंय. खरं तर 55,000 पहिलं पारितोषिक आहे या स्पर्धेचं, परंतु कोणतीच कसर सोडलेली नाहीये गावदेवी क्रिकेट संघ आणि ग्रामस्थ मंडळ पेठनं. अगदी 1.5-2 लाखाच्या ज्या स्पर्धा जशा वाटतात अगदी तसं स्वरूप मात्र या ठिकाणी निर्माण करण्यात आलंय, त्याबद्दल नक्कीच धन्यवाद द्यावेसे वाटतात संपूर्ण गावदेवी चषकाच्या आयोजकांना. आमचे विलीन सुरते असतील आणि त्यांची संपूर्ण टीम, जितेश नितेश असतील, आमचे गुड्डू योगेश असतील, सगळ्यांनी मित्र म्हणून मेहनत घेतली ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी आणि एक सुंदर असं आयोजन करण्यात आलंय. तर जाऊया दुसऱ्या इनिंगकडे, ज्या ठिकाणी 53 धावा करायच्या त्या मॅचमध्ये जिंकण्यासाठी मंगलमूर्ती काळुंद्रे संघाला पहिल्या सामन्यामध्ये फार चांगली बॅटिंग पाहायला मिळाली होती मंगलमूर्ती काळुंद्रे संघाची, परंतु शेवटच्या षटकामध्ये आलेल्या 18 धावा या मात्र बळ वाढवतात मी तिलेवन मोहो संघाचं. आणि इथून मात्र पाहूया परेश चिखलेकर आणि प्रवीण घरत ही जोडी मात्र आपल्या संघाला विजय साकारून देणार. दुसऱ्या इनिंगचा मात्र खेळाला होईल प्रारंभ. तसं करूया आपण आवाजामध्ये बदल, मायक्रोफोनवर जोडले जातील ते महाराष्ट्रामधील एक लोकप्रिय समालोचक बाबूशा. त्याला दोन्ही टीमचे कॅप्टन उपस्थित नसतील तर सामना 4 ओव्हरचा खेळवला जाईल. बी सिरियस तो चलिए चलेंगे मैच की तरफ. व्हाइट का जब देखिए, चलिए इसी बीच बात करेंगे. रायगढ़ के देखिए बात करेंगे, एक सितारे एक सूरज देखिए आसमान से अपने काम बेहतर कर रहे हैं और एक जमीन पर देखिए बात करेंगे सूरज पाटिल. आज रायगढ़ टेनिस क्रिकेट में देखिए कटेश वागिलवाड़ा इस नाम से ओपन की दुनिया में देखिए आज है टॉच किया जा रहा है यहाँ से. तो चलिए बात करेंगे मोरिया इलेवन स्पर्स पे टीम उसके साथ है.
वेस्ट इलेवन से देखिए बात करेंगे, के डी एच अगले वाला टीम के बीच में देखिए मैच टॉच किया जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से चौका आता हुआ बहुत बढ़िया देखिए यहाँ से कट खेलते हुए, और टारगेट की बात करेंगे टारगेट देखिए यहाँ से 53 रनों के टारगेट से। मस्के साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। मी विलीन सुरते यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते रामदासजी मस्के साहेबांना पण या मंचावर सन्मानित करावं। स्वागत आहे गावदेवी चषकामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। त्यानंतर आणखीन एक सन्मान आपण करणार आहोत, इम्रानजी शेख या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांचा सुद्धा सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल। तर यानंतर इम्रानजी शेख यांना सुद्धा आपण या मंचावर सन्मानित करूया। इम्रानजी शेख आपण सुद्धा या सन्मानाचा स्वीकार करावा, आपलं सुद्धा हार्दिक हार्दिक असं स्वागत। गावदेवी चषक 2024 ग्रामस्थ मंडळ पेठ गावदेवी क्रिकेट क्लब पेठ यांच्या आयोजनामध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। तो चलिए बात करेंगे चलेंगे मैच की तरफ। राकेश पाटिल का देखिए बल्लेबाजी लाजवाब रहा, और ये चलिए भाई पॉइंट के ऊपर से खेल दिया। त्रिशिष्टी खिलाड़ी के नाम से पहचाने जाते हैं परेश चिखलेकर का बल्ला चलता हुआ दूसरा चौका। करतोय सध्याच्या घडीला पाहायला गेलं तर मोरिया पळसपे संघाचं रन मशीन आणि सगळ्यात जास्त फॉर्म मध्ये असणारा फलंदाज निलेश वायदंडे याचा सुद्धा सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून करण्याची विनंती मी आयोजकांना करतोय। तर निलेश वायदंडे आपण या सन्मानाचा स्वीकार करावा, तर सहर्ष स्वागत। देखिए परेश शिकलेकर से दीपक सर बात करेंगे आज मिथिल वंश मोटी में देखिए जयेश पाटिल भी नहीं है, एक बढ़िया लेफ्ट हैंड बैटर से और उसके साथ देखिए लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, ऊपर आते हैं बल्लेबाजी के लिए गेंदबाजी भी बहुत बड़ा मैं कहूंगा शायद दो टीम में ना होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले हैं। लेकिन इस बात करेंगे मंगलमूर्ति कालुंद्री टीम की, ये दोनों बैटर्स बहुत घातक जोड़ी हैं इस वक्त के देखिए बहुत घातक फॉर्म से गुजर रहे हैं। अगर ये दोनों बैटर को रोकते हैं तो फिर शायद ये 53 तक मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये दो बैटर रहे तो फिर मुझे लगता नहीं कि मैच आखिरी गेंद तक जाएगा। परेश शिकलेकर और उसके साथ देखिए स्टाइलिश प्रवीण गरत देखिए ऑस्ट्रेलिया के नाम से पहचाने जाते हैं, और परेश शिकलेकर का बात कहा जाए कि 360 एबी के अंदाज से बल्लेबाजी करती हैं, इनका स्वीप भी बड़ा कमाल का रहता है, आउट ड्राइव भी मैदान के चारों तरफ रन बनाते हैं। और गेंदबाजी की बात करेंगे गेंदबाज रोहित पाटे बहुत बढ़िया देखिए रोहित पाटे देखिए मैंने जिक्र किया था, देखिए फर्गुसन देखिए उस अंदाज से गेंदबाजी करते हुए। पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ है टीम का स्कोर देखिए 11 रनों तक अच्छा ओवर का आ जाएगा उम्मीद सर, इसलिए मैंडेटरी पावर प्ले में अगर आपने 10-11 रन खर्च करते हो तो फिर 4 ओवर के मैच में कहीं ना कहीं अच्छा खासा ओवर का आ जाएगा। अभी भी देखिए बात करेंगे तो यहाँ से जीत के लिए 42 की जरूरत है, लेकिन 18 गेंद से ऐसे और जहाँ पर इस विकेट पर रन बन रही है इसलिए दोनों बैटर थोड़ा सा शांत है, लेकिन दिखते हैं समंदर को शांत देखकर ये मत सोचिए उसमें जान नहीं है। क्या मिथिल वंश मोटी टीम है, एक अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी की बात करेंगे जो राकेश है के बल्लेबाजी रही यहाँ पर आखिरी समय में अगर आतिशबाजी के 3 छक्के दागे और जिसमें एक चौके दागे कुल मिलाकर देखिए 24 रनों का इनिंग्स खेल गए। क्या बढ़िया बल्लेबाजी, किसी की अच्छाई ने हमें मार डाला, किसी की बुराई ने हमें मार डाला, बस तो गए थे सूर्या मस्कर रोहित से लेकिन राकेश की बल्लेबाजी टूट पड़े थे आकर। अब गेंदबाजी की बात करेंगे प्रकाश वर देखिए जयेश पाटिल के देखिए कितना कमी निश्चित रूप से खेलता हुआ बल्लेबाजी में भी शुरुआत में रन जोड़ते हैं गेंदबाजी देखिए, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए मिथिल वंश मोटी में एक बहुत बढ़िया फाइट देते हुए नसीब सेठ भोई देखिए बात करेंगे टीम के हमेशा देखिए साथ है। और ये चलिए स्लोअर गेंद फंसा दिए जाल में, और ये देखिए और गलती का पैर कहां रखिए भाई आपने, थोड़ा सा बाउंड्री लाइन अंदर से रहकर भी क्या चले सकते थे दीपक सर, इसे कहते हैं घर पे आई खुशियां दरवाजे से लौट जाना।
तरफ प्रतियोगिता में जब फील्डर से गलती होता है तभी चेंज किया जाता है, उससे पहले क्यों नहीं चेंज किया जाता है? घर में आग लगने के बाद क्या फायदा है? अगर उसके ऊपर भरोसा था और एक मौका दीजिए। शेर के पूछ में पैर मारोगे तो पप्पी नहीं मिलेगा भाई, यही झप्पी मिलेगा। आपने मौका दिया है तो कीमत चुकाना पड़ेगा। और एक चरण देखिए, मौका आपको बार बार नहीं देते हैं, ये मौका का फायदा ले लेते हैं। उसके बावजूद भी दाग देना चाहूंगा गेंदबाज ने, देखिए भरोसा फील्डर से छोड़ दिया था, इस बार खुद के ऊपर भरोसा। कहते ना, भरोसा खुद के ऊपर रख लो तो वो आपकी ताकत है। एक फील्डर की गलती से एक उसके बाद छक्का, थोड़ा सा देखिए रन रेट एवरेज को सुधार कर आए हैं, लेकिन विकेट गिरा है भाई 23 के ऊपर पहला विकेट। तेरी चुनरिया तो निश्चित रूप से दिल लेकर गया होगा प्रवीण घर। देखिए न्यू बैटर की बात करेंगे, राहुल पाटिल देखिए बात करेंगे। कोई भी खिलाड़ी को हम कम नहीं मान सकते हैं, और इस सीजन में देखिए राहुल पाटिल ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। जब जब देखिए यहां पर विकेट गिरा है उन्होंने अच्छे साथ दिए हैं, और आज देखिए इनकी तो सोच गलत थी, लेकिन फील्डिंग में मिथ इलेवन स्मॉल टीम में देखिए 22 से 4 रन आता हुआ। तो चलिए टोटल बात करेंगे, जाकर पहुंच गया 27 रन, और गेंदबाज देखिए यहां से एक बार फिर से होंगे तैयार। अपील तेज, और ये देखिए उंगली उठता हुआ यहां पर, क्या बढ़िया ब्रेक थ्रो दिलाते हुए यहां पर प्रकाश भुईर एकदम विकेट के जड़ में आ गए थे बैटर सामने, लेकिन काश भाई का चौका ना होता तो और दबाव यहां से बना रहता, क्योंकि स्कोर अभी बात करेंगे 27 पर दूसरा विकेट। अभी भी देखिए 26 का जरूरत है, और पारा इस ओवर की बात करेंगे अभी भी शायद एक गेंद से 13 गेंद 26 की जरूरत है, और अब थोड़ा सा दबाव पड़ेगा भाई, लेकिन परेश चिखलेकर जब तक रहेंगे थोड़ा सा टीम सुरक्षित मानेगा। न्यू बैटर की बात करेंगे देखिए यहां से प्रतीश मस्कर देखिए, और क्या गेंदबाजी रही भाई। अरे ये चलिए आते आते देखिए, अब प्रतीश मस्कर ने खींच कर लगाए भाई छक्का यहां से, लाइन देखिए एक बात करेंगे लेग स्टंप पर था, और स्लो स्वीप देखिए यहां से छक्का रन। चलिए डीजे प्रणय देखिए बात करेंगे, बड़े मूड में आ चुके हैं। तो चलिए यहां पर छक्का आया देखिए यहां से, छक्के ने देखिए मैच को एकदम से करीब लाता हुआ,
उमेश सर टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया और 33 रन। अब देखिए 12 गेंद 20 की जरूरत है और जहां पर ये विकेट बता रहे बल्लेबाजी के लिए कितना आसान है। और मिथिल स्मॉल टीम ने देखे छोटे छोटे गलती की, जब पर कैच छोड़े उसके साथ छक्का भी दिया वहां से और उसके बाद और एक छक्का खाए और इस बार देखिए ऊपर बहुत अच्छा खासा बनते जा रहा था। दो छक्का खाने के बाद एक अच्छा वापसी दिलाए थे लेकिन आखिरी छक्का जो लगा यहाँ पर प्रतीश मस्कर देखे छक्का लगाए खींचकर एकदम से। और अब परेश शिकलेकर के ऊपर देखिए बात करेंगे, शायद उतना दबाव नहीं रहेगा जितने दबाव पिछले कुछ गेंदों में बना हुआ था लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। हर्षद पटेल की बात करेंगे, जयेश पटेल का कहीं ना कहीं बहुत कमी खेलता हुआ, एक लेफ्ट हैंड गेंदबाज थे हमेशा राइट हैंड बैटर के लिए मुश्किल में डालते हैं। 20 की जरूरत है और गेंद बचाए 12 और अर्शल पटेल देखे तैयार गेंदबाजी के लिए बहुत बढ़िया। देखे क्राउड एकदम से यहां से पे गया, स्लोर गेंद था ऑफ स्टंप से बाहर रखा था पर पहला रन लेंगे। दूसरे के लिए क्या जाना चाहेंगे और दूसरे के लिए तेजी से भागते हुए और ये बहुत बड़ा आखिरी में हाथ से तोड़ना पड़ा, एक अच्छा मौका था यहां से परेश शिकलेकर फंस गए थे एकदम से, भाग्य का बहुत बड़ा साथ आज मिलता हुआ बहुत बड़ा निश्चित रूप से जीवनदान मिला है। आकाश गिरी का भी रिएक्शन देखने को मिला था, और जहां पर देखिए ये रन तो नहीं बहुत बड़ा विकेट हो सकता था, खलल डाल सकता था इस मैच में, बहुत बड़ी गलती। शायद मैं कहता हूं अगर यहां से रनआउट होते तो शायद 2019 10 जुलाई को हम याद कर सकते थे महेंद्र सिंह धोनी का रनआउट। चलिए मौका मिला है लेकिन कहते हैं ना मौका मौका, किस्मत सबको मौका देता है पर मेहनत सबको चौंका देता है। स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 35 रन और अभी बात करेंगे समीकरण के, यहां से 18 की जरूरत है। आने वाला देखिए गेंद बचाए 11, कहते ना गलतियों को भूल जाइए सबक को याद रखिए। परेश शिकलेकर देखिए दूसरे के लिए जाना नहीं चाहते थे शायद, प्रतीश ने अपना छोड़ बदल दिए थे एकदम से इरादा बना लिए थे और अब गेंदबाजी के लिए तैयार है। और ये चलिए अब तो नतीजा देखोगे भाई, जब जब खिलाड़ी को मौका दिया जाता है इसलिए तो कहा जाता है अपनों को धोखा दुश्मन को मौका, और मौके के ऊपर देखिए और एक आता हुआ बड़ा छक्का। विकेट गिरता तो शायद आपको उतना टाइमिंग मिल सकता था, छक्के के ऊपर गेंद अंदर आता हुआ और ये देखिए आप स्वीप खेलना चाहते थे, यहां से बल्ले से रन आता हुआ यहां पर सुपला खेलना चाहते थे। तो चलिए यहां से बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 42 रन लेकिन अभी भी देखिए बात करेंगे 11 की जरूरत है। अभी भी देखिए बात करेंगे मैच है एकदम से झुका नहीं है, मैं ये कहूंगा कौंडिन्य टीम के पक्ष में और एकदम से मैच हारे नहीं मिथिलेंद्र स्मॉल टीम, क्योंकि अभी भी 11 की जरूरत है, अनहोनी को होनी हुआ करता है निश्चित रूप से। अभी देखिए समीकरण की बात कर लेंगे, 8 गेंद 11 की जरूरत है, 8-11 समीकरण से ऐसा मुकाबला देखिए फंसे थे मिथिलेंद्र स्मॉल टीम लेकिन मिथुन पाटिल ने क्या मैच को फिनिश किया था। और यह देखते हैं और ये छक्के ने एक मौका था, भलाई कैच ना ले सकते लेकिन बचा सकते थे छक्का। अब कहेंगे मैच है मंगल मूर्ति कालुंद्र के पक्ष में एकदम से झुकता हुआ। पांच की जरूरत है, इसलिए तो कहा जाता है कोई भी खिलाड़ी को हल्के में मत लीजिए, इतिहास गवाह है, जंग राजा ने नहीं जंग सेनापति ने जिताए हैं। और प्रतीश मस्कर का देखिए बात करेंगे, 2 छक्का मैच को एकदम करीब लाए हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी 3 गेंद के ऊपर 12 रन और जीत के लिए 5 की जरूरत थी और यहां पे भी मौका था भाई
यहां से भी मौका चाहता हुआ अब समीकरण रह जाएगा भाई, छह गेंद और चार की जरूरत है डीजे। डीजे प्रणय देखिए एकदम उनके सेटअप में बैठकर मचा ले रहे हैं। नहीं प्रणय देखिए ये सोच होना चाहिए, मैं कभी भी कहता हूं दूसरे के महलों में गुलामी करने से बेहतर खुद की झोपड़ी में राजा बनिए। दूसरे के महलों में गुलामी करने से बेहतर उमेश्वर खुद के झोपड़ी में राज कीजिए। और डीजे देखिए प्रणय खुद के सेटअप बॉक्स पर बैठकर एकदम से राज कर रहे हैं। तो चलिए यहां पर छह गेंद चार की जरूरत है। बहुत सारी चीजें देखिए दुनिया हर हालत में कुछ ना कुछ कहती रहती है, सही चर्चा होगा यहां से कैच छूटा कुछ खराब फील्डिंग, लेकिन से बात काश है तो मंगलवती कारुंदर टीम भी देखिए अच्छे फॉर्म से गुजर रही है। ये टीम का इतिहास भी जाकर देखिए कोविड के पहले इतनी घातक ये टीम खतरनाक फॉर्म से थे। इस साल भी देखिए अभी तक 12 ट्रॉफी हासिल कर चुके हैं, लेकिन कोविड से पहले अगर कोई टेनिस करियर में घातक था तो कालुंदर टीम लीजिए, कामोटी टीम लीजिए। और उसके बाद देखिए बात करेंगे कोविड के बाद है कुछ ग्रामीण में नियम रूल आया, कुछ खिलाड़ी को निश्चित रूप से बैन किया गया, लेकिन वापस फिर से राकेश भाई गायकवाड़ शनि रायगढ़ टेनिस क्रिकेट ने अच्छी सोच दिखाई जिन खिलाड़ियों ने ज्यादा साल 5-10 साल 8 साल अपने टीम के लिए खेले दीपक सर उन्हें फिर से मौका दिया गया। और फिर से देखिए रायगढ़ टेनिस क्रिकेट एकदम से जागता हुआ और तूफान ही देखिए यहां से मचाते हुए। और जो क्रिकेट के देखिए चाहते हैं ना ये इंतजार करते हैं भाई, एक समय देखिए टॉप टीम 8 रायगढ़ का जब हुआ करते थे 8 का लॉर्ड्स हाई वोल्टेज ड्रामा और क्राउड क्या आया करता था, लेकिन आज बात करेंगे दीपक सर ओपन का मैच में भी बहुत सारे खिलाड़ी देखे जाने के बावजूद जिस तरह से हम दिगोड़ी टीम में देख सकते हैं ज्यादातर ग्रामीण नहीं खेल पा रहे हैं। जीत के लिए बात करेंगे तो यहां से एक रनों की जरूरत है और 3 गेंद बचाए। एक ऐसा मुकाबला हुआ था भाई सोनारी मुरबी के बीच में खिड़ुकपड़ा प्रभुदास अन्ना भुरु टूर्नामेंट में बहुत साल पहले नरेश भुरु ने नचाया था सोनारी टीम को, यहाँ पर दीपक सर 1 रन नहीं दिए थे ऐसा गेंदबाज पूर्वी के लिए उस समय के टॉप टीम में उनका भी नाम। आसानी से देखिए मैच को फिनिश किया यहां पर परेश चिखलेकर की शानदार बल्लेबाजी और समझदारी बल्लेबाजी, और उसके बाद प्रतीश के देखिए 2 अटैक बल्लेबाजी और मेथ 11 स्मॉल टीम के कुछ गलती इस टीम को उन्हें बाहर निकाल दिया। और मंगलमती कालुंदर टीम देखे क्या 13 ट्रॉफी की तरफ कदम बढ़ाएंगे क्योंकि और एक मैच खेलना पड़ेगा उन्हें, शाम का आखिरी अंतिम मैच रहेगा इस सीजन में। देखिए 12 ट्रॉफी हासिल कर चुके हैं